आप सभी का एक्सिस अकेडमी खैरतल की ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा आज अपन लोग 11th क्लास का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉल कॉन्सेप्ट का। देखो बेटा, एक बात बताऊँ मैं आपको, मॉल कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। जैसे मैं 11th क्लास में जब आया था, स्टार्टिंग में जब मैंने साइंस ली थी तो मुझे पता नहीं था, स्कूल में चल रहा था मॉल कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन देखे तो मैं क्वेश्चन सुन के ही घबरा गया कि यार ये कैसे क्वेश्चन आए भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था सुनना ध्यान से, कि जल की एक बूंद में हाइड्रोजन, जो जल की एक बूंद है उसमें H2O के कितने अणु होंगे। अब बताओ कैसे याद करेंगे अपन लोग भाई, बूंद तो सीधी सी एक ऐसे कुछ ड्रॉप टाइप में दिख जाता है, इसमें H2O के मॉलिक्यूल कैसे याद करेंगे बताओ अपन लोग। लेकिन केमिस्ट्री में सब कुछ मुमकिन है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लोग शुरुआत करने वाले हैं मॉल कॉन्सेप्ट की। किसकी शुरुआत करने वाले हैं? मॉल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाले हैं भाई। डस्टर और देखना पड़ेगा तेरे को ना। लो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट को। ये लो मोल, मोल अवधारणा, मोल अवधारणा। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। देखो सुनना ध्यान से, अपन क्या करें, मोल कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है भाई। देखो एक बात सुनना, मोल कॉन्सेप्ट के लिए अपन लोग बोलते हैं कि एक मोल जो है वो अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या को दर्शाता है। और अवोगाद्रो संख्या कितनी है? Na। और Na के लिए कितना अपन काम में लेते हैं, इसको लेते हैं अपन लोग 6.022 × 10³। ये नंबर है बेटा, क्या है? नंबर है। और इसको कैलकुलेशन में आप लोग सिंप्लीफाई में, कैलकुलेशन में आप लोग कैसे काम ले सकते हो, 6 × 10²। ये सिंपल नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नंबर है भाई। ठीक है, जब कभी भी आप लोगों से कहा जाए एक मोल, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, एक नंबर आना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, Na का हो, ठीक है, या क्या कहो 6.022 × 10²। ठीक है, और कैलकुलेशन में ये पॉइंट वॉइंट से बचने के लिए अपन सीधा क्या कर सकते हैं, इसको 6 × 10²³ काम में अपन लोग ले सकते हैं। अब देखो सुनना बेटा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक मोल चोक है, ठीक है, मैंने कहा एक मोल चोक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये निकल क्या है कि मेरे पास जो चोक है उनका नंबर कितना है, 6.022 × 10²³ चोक। ठीक है, ये सीधा नंबर निकल के आ गया। मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन है, कि क्या है मेरे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो आ जाओ, मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर, एक मोल में पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, वही सिंपल सा 6.022 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक मोल के प्रोटॉन है, तो इसका अर्थ क्या निकला, कि इसका मतलब मेरे पास एक मोल, में कहूँ क्या, एक मोल, बेटा यहाँ पे ऐसे तो लिखे अपन लोग, एक मोल, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा यहाँ पे वापस से, एक मोल क्या मेरे पास प्रोटॉन है, तो इसका मतलब नंबर मेरे पास क्या होंगे, 6.022 × 10²³ प्रोटॉन मेरे पास हुए। ठीक है, ऐसे मैं सिंपल से कहूँ मेरे पास एक मोल कण है, सब कुछ छोड़ो, क्या मेरे पास एक मोल कण है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा एक मोल पार्टिकल है मेरे पास। ठीक है, क्या है मेरे पास, एक मोल कण है, तो इसका मतलब उन कणों का नंबर भी कितना आया, 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, अपन सब कुछ छोड़ो, मैं कहूँ मेरे पास एक मोल रुपए है, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक मोल रुपए है, तो इसका अर्थ क्या निकल के आया, कि मेरे पास रुपयों का नंबर कितना हो गया, कि मैंने कहा वन मोल रुपीज़ है मेरे पास, तो इसका मतलब हुआ मेरे पास कितने रुपए हैं, 6.022 × 10²³ रुपीज़, इतने मेरे पास रुपीज़ हैं बेटा। ठीक है, अब सिंपल सी बात हो गई क्लियर। ये एक छोटा सा अपन कंसेप्ट अपन ने कहा कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, कि एक मोल जो है
ठीक है, वो अवोगाद्रो संख्या एन ए को दिखाता है बेटा, दर्शाता है। और एन ए क्या है, एन ए क्या है 6.022 ठीक है इंटू 10^23 ठीक है। नंबर इसका कोई यूनिट नहीं होता, आप याद रखेंगे जब कभी मोल की बात की जाएगी तो उसमें एक नंबर है कितना 6.022 इंटू 10^23 ये आपका नंबर आया बेटा ठीक है। अब एक बात और सुने आगे इसको स्टार्ट करने से पहले कि बेटा एक बात सुने क्या, कि एक तो होता है अणु और एक होता है परमाणु। जैसे मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक मोल H2O है, क्या मेरे पास एक मोल H2O है, तो H2O में, हाँ भाई H2O में कितने अणु हो गए भाई, एक मोल H2O में कितने अणु हो गए H2O के, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास क्या 6.022 इंटू 10^23 क्या हो गए H2 मोलिक्यूल्स, मेरे पास 6.022 × 10^23 H2O के मोलिक्यूल्स हैं ठीक है। लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें एक मोल H2O में कुल कितने परमाणु हैं अगर मैं आपसे पूछूँ ठीक है, तो फिर आप क्या कहोगे, फिर आप देखोगे कि इस एक H2O के मोलिक्यूल के अंदर टोटल एटम कितने हैं, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें दो एटम तो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है ऑक्सीजन का, यानी कि एक मोलिक्यूल के अंदर तीन एटम है ठीक है, हो गया बेटा तक की बात। और ऐसे टोटल मोलिक्यूल कितने हैं, इतने, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीन से, तब जाकर क्या निकल के आएगा मेरे पास में टोटल एटम्स का नंबर निकल करके आएगा। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ 6.022 × 10^23 आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर कितना निकल के आ जाता है 10^23 ठीक है। और 3 × 6 = 0 और 6 × 3 = 18 यही निकल के आता है, बताओ क्लियर बात आई आपके यहाँ तक की, तो सिंपल सी वैल्यू आपके पास निकल के आई, यानी कि ये टोटल एटम्स का नंबर निकल करके आया है आपके पास में। तो आप ध्यान रखें आपसे कैसे क्या निकलवाने वाला है वो बात हो गई। ये मोल कॉन्सेप्ट की छोटी सी बात कही मैंने, अब क्या है मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा ठीक है, उनको मैं करवाने के लिए ठीक है, उनको मैं करवाने के लिए एक फॉर्मूला दूंगा, पर छोटा सा इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ करके कैसे। कि मैंने कहा जैसे सपोज करो मैंने कहा कि क्वेश्चन क्या रहा है कि मेरे पास दो मोल O2 गैस है ठीक है, तो दो मोल O2 गैस में कितने O2 मोलिक्यूल्स होंगे, में कितने O2 मोलिक्यूल्स अणु होंगे ठीक है बेटा, कितने O2 मोलिक्यूल्स होंगे। तो अपन कैसे याद करेंगे आप बताओ, आप कहोगे कितने मोल है दो, और इस मोल का अर्थ क्या है बेटा, ये नंबर ठीक है, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, सिंपल सा है। अगर ज़्यादा पॉइंट के झमेले में नहीं पढ़ना चाहते तो ये ले लो, और अगर पढ़ना चाहते हो तो ये ले लो ठीक है। चलो अपन तो अभी यही वाला लेंगे अभी, तो कैसे कि दो मोल O2 मोलिक्यूल है, पूरा इस O2 को एक गिना जाएगा, क्या गिना जाएगा एक, तो अपन क्या कहेंगे इसमें कितने होंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे एक मोल के लिए कितना लेते हैं 6.022 × 10^23 ठीक है। तो ये तो क्या गए टोटल O2 मोलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई कर दो आ जाओ भाई, 2 × 4 = 0 और 6 × 12 × 10^23 ये तो क्या आया आपके पास में O2 मोलिक्यूल्स आए, O2 अणु आ गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि इस दो मोल O2 के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं, क्या दो मोल O2 के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं, तो आपको देखना पड़ता कि एक O2 जो मोलिक्यूल है उसके अंदर दो एटम है, किसके ऑक्सीजन के। तो आप देखो दो तो ये और दो ये, तो आपने क्या 2 × 2 ठीक है, ये दो तो ये वाला और इसके अंदर दो एटम है ठीक है, उसलिए आपने दो और उससे मल्टीप्लाई किया और गुणा में क्या कर दिया 6.022 × 10^23 ठीक है। और कभी कभी सुनना उत्तर आपको ऐसा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो ना मिले और आपको सीधा समझ जाए 4Na, क्या मिल जाए 4Na, तो बेटा ध्यान रख ले ये चीज़ और ये पूरा उत्तर आने वाला वो एक ही रहेगा, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4। और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं Na भी लिख सकते हैं, आई बात है तक कि चलो ठीक है।
अब अपन लोग जो आपके मॉल कॉन्सेप्ट पर जो फॉर्मूलाज जो बनने वाले हैं उनका एक मैं बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम में मेंटेन करने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखें समझे, उसके बाद अपन लोग करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। आओ चलो इसको एक बार कॉपी आउट कर लो बेटा, ठीक है, और फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट अपन लोग। आओ होता हो बेटा, देखो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कभी भी सूत्र अपन बात करें तो देखो मैं एक फॉर्मूला चार्ट बना रहा हूँ, उससे काफ़ी सारे सूत्र लिखने बजाय मैं छोटा सा करूँगा। देखो मैंने कहा मोल, मोल कॉन्सेप्ट की बात करें अपन लोग, मोल की बात करा अपन लोगों ने, ठीक है। अब देखो ये रिलेटेड होता है कैसे, अगर मान के चलो बेटा, मान के चलो आपको द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है, द्रव्यमान, द्रव्यमान और मोल के बीच में रिलेशन निकालना है, तो फिर क्या मैंने आप लिखा द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, क्या लिखा मैंने, मास, ठीक, ये लो हो गया। और ये कणों की संख्या अपन कह दें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दो, अणु कह दो, तो यहाँ पर मैंने कहा कणों की, कणों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ ले लिए। और वॉल्यूम की बात भी कर लेते, लगे याद किसकी वॉल्यूम की, तो ये आयतन लो, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है बेटा, तो मैंने वॉल्यूम यहाँ पे बात कर ली। अब देखो सुनो, मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ कि अगर मान चलो आपको मोल्स को किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें, या द्रव्यमान को इसमें कन्वर्ट करना है आपको, मोल में, तो देखो सुनना, यदि आपको किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसका आपको द्रव्यमान दे रखा, क्या दे रखा है, द्रव्यमान, और आपको कन्वर्ट करना है उसे किसमें, मोल में, किसमें कन्वर्ट करना है, मोल में, ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट करने के लिए, ये अगर अणु है तो ग्राम अणु भार का, ठीक है, ठीक है, और ये अगर अणु है, सॉरी, अगर ये अणु है तो ग्राम अणु भार का, और अगर एटम है तो ग्राम परमाणु भार का, अपन क्या करेंगे इसमें भाग लगाएंगे। तो मैंने कहा इसको इसमें बदलने के लिए भाग करते हैं, जी ए एम, ग्राम एटम मास का, अगर एटम वाला है ये तो ग्राम एटॉमिक मास का भाग लगाएंगे, और अगर ये मोलिक्यूल है, अगर ये मोलिक्यूल है तो अपन किसका लगाएंगे, ग्राम मोलिकुलर मास का, जी एम एम का भाग लगाएंगे बेटा, क्लियर। और अगर मान चलो को मोल को किस में कन्वर्ट करना हो, द्रव्यमान में, ठीक है, तो फिर अपन इसका अपोजिट करेंगे, इसको इसमें बदलने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसे, जी ए एम से, और अगर मान चलो मोलिक्यूल है तो अपन क्या करेंगे, जी एम एम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात क्लियर हुई। अब देखो सुनना बेटा, अवोगाद्रो परिकल्पना जो है उसने ये भी कहा कि निश्चित ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान, ठीक है, और कितनी होती है, 6.023 × 10^23 एक मोल के अंदर, यही बात आई थी ना, एक मोल आयतन के अंदर। तो देखो अब सुनो अपन क्या कहेंगे, अगर मान के चलो आपको भाई मोल को आयतन बदलना पड़े, किस में बदलना पड़े, मोल को आयतन में, तो फिर आप क्या करोगे, देखो ध्यान सुनना, अगर आपको मोल्स को आयतन बदलना पड़े तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितना, 22.4 से लीटर से, 22.4 लीटर से, ठीक है। और अगर मान चलो आपको आयतन को किस में लेना पड़े, मोल में बदलना है आयतन को आपको, तो फिर आप क्या करोगे, उल्टा करो भाई, इसको डिवाइड करोगे आप लोग किससे, किससे, 22.4 लीटर से, ठीक है, बात है तक की, तो ये कन्वर्ट आपका इसमें हो जाने वाला है। इस एरोज का बड़ा ध्यान रखें कि ये मोल को इसमें बदलना है तो ये वाला एरो काम नहीं आएगा, कौन सा वाला आएगा, ये वाला, पूछ से आपको किधर चलना पड़ेगा, सिर की तरफ चलना पड़ेगा, जब जाके आपका काम होने वाला है बेटा, ठीक है। आ जाओ अगला बात करें, अगर मान लो कणों की संख्या और मोलों के बीच में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो फिर कैसे करोगे, देखो एक बात सुने, एक मोल के अंदर मैंने आपको बताया पहले कि नंबर कितने होते हैं, 6.023 × 10^23, और उसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं एन ए। तो देखो सुनना, अगर आपको मोलों की संख्या को बदलना है किसमें, कणों में, तो आप करोगे गुणा एन ए से, ठीक है बेटा, हो गया। और अगर मान चलो आपको कणों की संख्या को बदलना है किसमें, मोल में, मोलों की संख्या में, तो फिर आप क्या करोगे, भाग करो किससे, एन ए से, बरोबर, यहाँ तक की बात क्लियर आई या नहीं। अब देखो सुनो,
मैंने कहा अगर कोई चीज़ है वो अणु है, जैसे H2 है, अगर अब इसमें H2 एक H2 का H2 के पार्टिकल, ये तो कहलाएंगे कण, क्या कहलाएंगे कण। यानी कि अगर मान चलो जैसे मैंने कहा 2 मोल मेरे पास H2 है, तो कुल कणों की यानी कि H2 की संख्या निकालनी है तो आप यहीं पर रुक जाओगे। लेकिन अगर मान चलो थोड़ा सा और आगे चल जाए, क्या चल जाए थोड़ा और आगे, जैसे इसमें कुल परमाणु बताओ, ठीक है, तो आप देखोगे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने परमाणु, फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे। और अगर मान चलो वो कहें आपसे इसमें हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कुल बताओ कितनी है, या ऑक्सीजन के परमाणु संख्या बताओ कितनी है, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके कितने एटम प्रेजेंट है, उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा और आगे भी चला जाता है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से बात आपकी आती है। अब देखो सुनो, अपन लोग अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मूला इनके ना लिखने के बजाय अपन एक वाई फोर शेप जो चार्ट आपको बनाया है उसके बाद अब आप क्या आते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें, इससे मैं ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ कि इसको एक बार इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहले तो आपके पास, ठीक है बेटा। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे इसको इसमें बदलना है, उल्टा इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, मास को मोल में बदलना है। उसके बाद ऐसा दूंगा कि आपके पास ये चीज़ है और आपको ये चाहिए, आपके पास ये चीज़ है और आपको ये चाहिए या फिर ये चाहिए, मल्टीपर्पस वाला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है बेटा, बड़ा ही मजा आने वाला है। आपको छोड़ के नहीं जाना है वीडियो को, ध्यान से कॉपी पेन लेकर के का अपना सवाल करें बेटा, वाई फॉर्मूला जो है ये आपका वाई चार्ट वाला जो फॉर्मूला, इसको याद रखे लर्न कर ले बेटा ध्यान से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वो, ठीक है। यहाँ से मैं आता हूँ इन क्वेश्चनों की तरफ, मैं कहूँ देखो आ जाओ, मैंने कहा कि मेरे पास दो मोल H2 गैस का NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए, NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 मोल H2 गैस का NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात ये कर रहा है, और ये सारी NTP पर ही बात चलती है बेटा आपकी, ठीक है। अब देखो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको क्या कह रहा है कि आपके पास गैस है, H2 गैस है 2 मोल, ठीक है, और कह रहा है NTP पर इस H2 गैस का आयतन कितनों को याद करो। तो अब ऐसे तो कैसे याद करें, लेकिन अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो देखो क्या कह रहा है कि मोल आपके पास दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछ रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास 2 मोल गैस है और आयतन याद करना है 2 मोल का, तो क्या करूँ, ये वाला तीर काम में लूँ या वेला ये वाला, क्योंकि ये बदल रहा है, देखो ले जा रहा है कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि ट्रेन है ये छोड़ेगी अपन को यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़े किससे, 22.4 से। तो आप कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे बेटा, आपको याद करना पड़ेगा 2 × 22.4 लीटर, ये टोटल आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपके पास कितना आ गया, 4 × 8.44, यानी कि 44.8 लीटर आपका 2 मोल H2 गैस का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, ऐसे बात आई इसकी। चलो और बात करते आ जाओ, अगला क्वेश्चन इस टाइप का लेंगे आप अपन लोग, कैसा वाला, द्रव्यमान को बदलना है किसमें, इसमें या फिर पहले इसको भी इसमें बदल लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो अब देखो अगला सुनो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास, लिखते आ जाओ, कैलकुलेट द मास ऑफ टू मोल CO2 गैस, ठीक है बेटा। कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल CO2 गैस, 2 मोल CO2 गैस है उसका मास आपसे कैलकुलेट करवाने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई CO2 है इसका एक का, अब अणु है ना, तो आपको ग्राम मोलिकुलर मास देखना पड़ेगा, ग्राम मोलिकुलर मास ग्राम में आ जाता है सीधा ही। तो देखो AMU के स्थान पर, AU के स्थान पर सीधा किस में रिप्रेजेंट कर दो उसको, ग्राम में। तो देखो इसका कितना होता है 12 प्लस इसका कितना होता है 16 × 32, तो अपने जोड़ा तो कितना आ गया 44 ग्राम, यानी कि जो CO2 है उसका ग्राम मोलिकुलर मास जो है वो कितना है, 44 ग्राम है, ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात। अब उसके बाद आ जाओ, अपन क्या कहेंगे, अपन का मोल को कन्वर्ट करना किसमें, द्रव्यमान में, किसमें कन्वर्ट करना है, द्रव्यमान में। तो यानी कि आपको यहाँ से आ जाना है ना, तो ये वाला तीर आपको लेके जाएगा,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे, जीएमएम से। तो आपने क्या, कितना मोल था, दो, तो आपने क्या, दो गुणा कितना, 44, ठीक है, ग्राम। तो आपके पास कितना आ गया, 88 ग्राम। यानी कि आपने फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि दो मोल CO2 गैस का मास कितना होगा, 88 ग्राम होगा, सही है। चलो ठीक है, अब अगला टाइप का आते हैं अपन लोग। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, अब आपको क्या करना है, आपको मोल को बदलना है कणों की संख्या में, ठीक है। तो आ जाओ देखो, अब आगे सुनना, दो टाइप क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसमें। अभी तो पहला ये वाला लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहो या मोलिक्यूल कह देते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ कौन सा ले अपन लोग, चलो ये ले लेते हैं, कौन सा बढ़िया सा मोलिक्यूल लेते हैं, और मोलिक्यूल में भी कौन सा ले लेते हैं, CO2 ही ले लेते हैं, CO2 मुझे अच्छा लगता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस इन, चलो ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लेते अपन लोग, एक काम कर लेते हैं, अपन ले लेते हैं 3 लीटर ले लूँ, सॉरी 3 मोल ले लूँ, 3 मोल ऑफ CO2 गैस, ठीक है। ये चाहे आप हटा सकते हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 3 मोल ऑफ CO2 गैस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि CO2 गैस के 3 मोल में, ठीक है, CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, सुनो आप ध्यान से, मेरे पास 3 मोल है और मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मोल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो इसको इधर छोड़ेगा, ये वाला इधर लेके जाएगा, तो मैं क्या करूँ, देखो सुनो, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन ए से, ठीक है। तो मैंने किया 3 गुणा Na। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट में कभी तो कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, उत्तर मिल जाएगा सिंपल सा इसका, क्या कि टोटल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करवाने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइम में एक आंसर मिल गया आपको, क्या 3 Na, तो ये आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा, बिल्कुल उत्तर क्या है, सही। मान चलो आपको ऐसा उत्तर नहीं देखा, और आगे दे रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, और 3 × 6.022 × 10³, ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते आ जाओ, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ठीक है, 0 × 6 = 18, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गए CO2 मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा आपके पास में, ये आपका आंसर होगा। अगर आपके पास ये है तो ये भी सही है, और ये आपके पास ये है तो ये भी क्या आपका सही है, ठीक है। लेकिन अगर मान चलो, अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं कि जिनमें से आप, मैं कहूँ इनमें से आपके पास आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि अलग आपको ये बताना है कि इन भाई इसमें क्या कार्बन के टोटल कितने एटम है और ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है। आपसे कहें इसमें कार्बन व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्याएं भी ज्ञात करो। आपसे कह रहा है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या भी ज्ञात करो, साथ में कुल परमाणु संख्या भी बताओ, तथा इसमें कुल परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात करो, ठीक है बेटा। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई आपका जो 3 मोल जो CO2 गैस था उसके अंदर आपको बताना है कि कार्बन के टोटल एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने होंगे, ठीक है बेटा, और सभी टाइप के टोटल एटम को जोड़ के वो टोटल एटम कितने होंगे, वो 3 चीज़ आपसे और पूछ ली बेटा इसने। तो अब देखो कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, आओ तो देखो कैसे निकालेंगे। आप कहोगे कि भाई CO2 मॉलिक्यूल मेरे पास ही रहा, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन के टोटल एटम कितने हैं, परमाणु कितने हैं। तो आप देखोगे कि एक CO2 का जो मॉलिक्यूल है अणु, उसके अंदर कार्बन का एटम कितना है, एक, ठीक है। तो कुल अणुओं की संख्या को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक से। तो अपन कहेंगे 3 मोल CO2 में कुल कार्बन के परमाणुओं
परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या वो कितनी होगी, ये बराबर होगी एक गुणा, कितना था आपके पास में, तीन एन ए था ना, एक गुणा में तीं एन ए, सिंपल से मैं वे में आंसर दे रहा हूँ, या तो ये कह दो ठीक है। और ये आपका जो अभी भी आया था कितना आया था, 18 9 ऐसे कुछ आया था ना, एक मिनट को, तीन था ना मोल, तो अपन ने कितने से मल्टीप्लाई किया था, तीन से मल्टीप्लाई किया, तो आ जाओ जो वापस देख लेते हैं, और 6.022 गुणा 10^23 गुणा में तीन, तो आ जाओ 3 × 2 = 6 6 0 गुणा में सॉरी 0.18, या फिर ये आ गया था, आप ये कहो चाहिए कहो, दोनों उत्तर सही है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आंसर देखते हैं आपका, कि तीन मोल CO2 में कौन सा ऑक्सीजन के एटम में कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, आ जाओ। अब आप देख पा रहे हो एक CO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम है, दो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, दो गुणा कितना था आपके पास CO2 के मॉलिक्यूल्स के, तीन एन ए के बराबर, तो दो गुणा तीन एन ए, तो आपके पास कितना आ गया 6 Na के बराबर आपका आंसर आएगा, कि आपके पास टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे 6 Na के बराबर होंगे, और आप मल्टीप्लाई करके वो नंबर भी आप लोग निकाल सकते हो। और आपसे पूछा जाए टोटल टाइप के एटम कितने होंगे, भाई टोटल टाइप के एटम जो है ठीक है उन सबका नंबर कितना होगा, तो आपसे आपका क्या आने वाला, अगले वाला आने वाला है कि 3 मोल CO2 में कुल परमाणुओं की संख्या ये बराबर होगी, एक में टोटल परमाणु कितने, तीन, तो आपने लिखा 3 × 3 Na यानी कि 9 Na के बराबर होगी, Na मतलब 6.022 × 10^23 ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको इसमें बदलना सीखा। अब नेक्स्ट टाइम में चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका उसमें चलते हैं, अब इनसे उल्टा करते हैं काम, कैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसे आया, कैसे कि आयतन को आपको बदलना मूल्यों में ठीक है, आपसे कहा जाए कि भाई आ जाओ, क्वेश्चन क्या आपके पास में, आपके पास जैसे क्वेश्चन है कि मेरे पास वॉल्यूम दे रहे हैं अपन लोग, वॉल्यूम, और वॉल्यूम में अपन लोग निकालने वाले हैं मोल ठीक है। तो मैंने कहा क्या कहूँ, मैंने कहा 44.8 लीटर CO2 गैस में मोलों की संख्या ज्ञात करो ठीक है बेटा। ये ध्यान रखिए कि वॉल्यूम गैस में होना चाहिए आपका ठीक है ना, तो आप कैसे करोगे, जाओ आपको देखो वॉल्यूम से आपको निकलना है किसमें, मोल में, तो आपको तीर ये वाला काम लेना पड़ेगा, डिवाइड करना है 22.4 से, तो आप क्या कहोगे मोलों की संख्या, भाई CO2 के मोलों की संख्या ये बराबर होगी कैसे, 44.8 डिवाइड करें किससे, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2 मोल आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हो। चलो अब अगला ये बताता हूँ, कणों से आपको निकालना है ये ठीक है, आपसे कहा जाए क्वेश्चन देखो, सुनना ध्यान से क्या कह रहा है कि 3.01 × 10^23 ठीक है, H2 अणुओं में H2 के कितने मोल होंगे ठीक है। क्या कह रहा है वापस सुन लो कि 3.011 × 10^23 H2 अणुओं में H2 कितने मोल होंगे, यानी कि आपको यहाँ से आना है तो आपको ये वाला तीर लेना पड़ेगा, देखो यही आपको इधर छोड़ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एक बार वापस देखें सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा किससे, Na से, तो आ जाओ 3.011 × 10^23 अपॉन 6.022 गुणा में 10^23 घातों से, तो घात कट गए, इसको दिया भाग अपन लोग क्या आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2, और इसको कैसे लिख सकता हूँ 0.5 मोल ऑफ H2
मोल ऑफ एच टू, इस तरीके से आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले तो इसको इसमें कन्वर्ट कर चुके, अब इसको इसमें कन्वर्ट कर चुके, अब कौन सा है द्रव्यमान की बात आई, तो द्रव्यमान से कैसे निकालोगे मोल, आ जाओ उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि 90 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 90 ग्राम आपके पास क्या है H2O से मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो द्रव्यमान दे दिया, क्या निकलवाना चाह रहे हैं मोल, तो इसमें देखो इधर ये तो तीर इधर की तरफ छोड़ रहा है, ऐसे मान लो जाए पूरे इसको, लेकिन ये इधर लेके आएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी यार ये डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड करना पड़ेगा किससे करना पड़ेगा, ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम है तो ये क्या मॉलिक्यूल, तो आप किससे गुणा करना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम, आप निकाल चुके, मैंने सिखाया प्रीवियस लेक्चर में आपको। ठीक है, तो आ जाओ मैं डिवाइड करता हूँ भाई, क्या H2O के मोलों की संख्या ये क्या होगी, ये बराबर होगी 90 अपॉन, क्या करूँ मैं बताओ, 18 से डिवाइड करूँगा, तो आ जाओ काटा मैंने क्या 5 मोल आपके पास आंसर निकल करके आ गया बेटा, समझे बेटा, ध्यान से आया बेटा, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो थे बिल्कुल आसान से। ठीक है, अब मैं अलग तरीके से जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार शेयर करता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जैसे लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा कि जल की बूंद में H2O के मॉलिक्यूल याद करो, तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके पास में, आ जाओ देख क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, क्या जल की एक बूंद जिसका द्रव्यमान ठीक है 2 ग्राम है, ठीक है, इसमें H2O के कुल कितने अणु उपस्थित होंगे, ये आपका क्वेश्चन आपके पास आ गया। एक बार वापस देख लें कि आपके पास एक जल की बूंद है, ये रही बूंद, ठीक है, जल की एक बूंद है, इसका द्रव्यमान उसने दे दिया कितना 2 ग्राम, और पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि जो H2O के छोटे छोटे जो पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके अंदर कितने हैं, ये पूछना चाह रहा है वो, सही है। अब देखो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को समझे, कि यानी कि क्वेश्चन देखे, जल के एक बूंद जिसका द्रव्यमान, यानी कि आपको मिला क्या है, ये चीज़ मिला है 2 ग्राम है, और इसमें H2O कुल कितने अणु उपस्थित होंगे, यानी कि आप सुनो मल्टीपल पता क्या है, यहाँ से आपको खजाना है अणुओं कणों की संख्या में जाना है, तो आप सीधा तो जा नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है, आप बाईपास जाओगे, पहले आप यहाँ से यहाँ आओगे और फिर यहाँ पे आने के बाद आप इधर जाओगे, बोलो क्लियर, आई बात नहीं है, आई बात क्लियर, तो आप देखो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करोगे बताओ जल्दी से, आप डिवाइड करोगे किससे, ग्राम मोलिकुलर मास से, तो आप कहाँ जाओगे यहाँ से यहाँ पे, क्वेश्चन में आपने देखा कि आप यहाँ पे आप हो, आपको यहाँ आना पड़ेगा उसके बाद यहाँ जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे मोलों की संख्या निकालोगे, आप कहोगे 2 ग्राम H2O में मोलों की संख्या तो कितनी आएगी बताओ, आ जाओ बात करते हैं, 2 बटे 18, तो आपके पास कितना आ गया 1 बटे 9 मोल आपके पास आ गए H2O, हो गया यह आपका क्लियर, यानी कि आप यहाँ पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है कणों की संख्या पर, किस पर जाना है कणों की संख्या पर, तो कणों की संख्या को लेने के लिए आप देखो ये तीर तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो इधर छोड़ेगा, इस पे चलो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन ए से, तो आप क्या करोगे, अब कहोगे आप लोग 1/9 मोल H2O में H2O के अणुओं की संख्या वो कितनी होगी, अब आ जाओ बात करते हैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/9 गुणा में एन ए, एक तो आपका आंसर होगा ये, दूसरा आप क्या कर सकते हो, और 1/9 गुणा में आप क्या करोगे 6.06 ही ले लो, बहुत है 6×10^23। ठीक है बेटा, आपने देखा भाई 3×2 = 6 और 3×3 = 9। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं आप लोग, आपका क्या आ गया, भाग दे दो इसमें, तो आपका 6×3 = 18
फिर वापस से 6×10^23 आपके पास ये आने वाला है। बताओ यही आएगा ना भाग देने पर, देखो भाग दे दिया, 2 का भाग देना 6 भाई 3×6 18, 2×3×6 18, हाँ यही आने वाला। अब तो आपके पास कितना आ गया, ये तो समझे बेटा आप लोग, बताओ। हाँ भाई, अब आपने कैलकुलेट कर लिया है कि जल की एक जो बूंद थी मोटी 2 ग्राम वाली, उसके अंदर H2O कितने थे, 6.66×10^23 H2O के मॉलिक्यूल्स थे। अगर मान चलो आपसे कहता था टोटल एटम बताओ, तो एक H2O में कितने होते हैं, 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास H2O, एक जल की बूंद जिसका द्रव्यमान 2 ग्राम था, उसके अंदर टोटल एटम्स का नंबर भी निकल करके आ जाता। आई बात क्लियर अब तक की, बताओ क्लियर। चलो अगला टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आप मुझे बताना करके भाई कि इसमें क्या होने वाला है, क्या करना है, ठीक है। चलो आओ, अब देखो सुनना, अगला मैं क्या कह रहा हूँ, अगला लेते हैं कि मैंने कहा 560 ग्राम Fe धातु के टुकड़े में कुल Fe के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। बेटा देखे ध्यान से इस क्वेश्चन को और इसको करने की कोशिश करेगा और वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आंसर अभी मैं करवाने वाला हूँ इसका, एक बार करके देखे अपने लेवल पे, ठीक है। चलो हो गया, अब देखते आ जाओ। तो देखो इसमें क्या करें, 560 ग्राम आपके पास में क्या है, Fe धातु का एक टुकड़ा है, कि एक लोहे का टुकड़ा है, इसका द्रव्यमान कितना दे दिया, 560 ग्राम दे दिया। वो पूछ रहा है आपको पता है Fe तो छोटे छोटे Fe के एटम से मिलकर बनेगा, और आपसे इसने क्या पूछ लिया बेटा, इसने आपसे पूछ लिया कि बताओ ये एटम जो आपको Fe के दिख रहे हैं, ये रहे Fe के एटम, ये टोटल इसमें कितने होंगे 560 ग्राम वाले में। तो आप कैसे करोगे बताओ, तो आप देखो आपको यहाँ पे और आपको वापस इसने यही पूछा है, अभी भी इसने आपसे यही पूछा है, तो फिर आप कैसे करोगे, आ जाओ। आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो Fe के जो टुकड़े में खाली Fe के एटम है, तो आप ग्राम एटॉमिक मास का भाग दोगे, और Fe का ग्राम एटॉमिक मास होता है कितना, 56, कितना होता है 56। तो आ जाओ 560 ग्राम Fe के टुकड़े में Fe के मोलो की संख्या बराबर, कैसे निकालूंगा, देखो आपको पहले पता चल गया ना, यहाँ से आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आ, तो आपको करना पड़ेगा क्या, भाग करना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक मास का। चलो 560/56 भाग दिया, कितना आ गया 10 मोल, ठीक है, किसके, Fe के, ठीक है। और आप इधर को जा रहे हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे 10 मोल Fe में कुल परमाणुओं की संख्या, ये बराबर हो किससे, 10 गुना मुझे क्या करना पड़ेगा, Na, क्योंकि एक मोल में Na के बराबर होती है, एक आंसर तो आ गया आपका क्या, 10 Na, ठीक है। और आप एक दूसरा आंसर क्या लिख सकते हो, 6×10 6.0 22×10^3 क्या लिख दिया आप लोगों ने, 23, ठीक है। तो आप इसका आंसर आ गया 60×60.22×10^3 कितना आ गया, 23, बोला आंसर क्लियर, अभी क्लियर। तो इस तरीके से आपने निकाला, ठीक है। अब अगला टाइप का निकालता हूँ, ये तो आपने ऐसा वाला बता दिया, मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ, आ जाओ। आपसे कहा जाए, अगला क्वेश्चन आने वाला है आपके पास में सिंपल सा, क्या कि आपसे कहा जाए कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में मैंने कहा कि जैसे 280 ग्राम N2 गैस का आयतन NTP पर ज्ञात कीजिए। एक बात मैं बता दूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और नॉर्मल टेम्परेचर की वैल्यू होती है कितना, 273, ठीक है, 273 केल्विन, और ठीक है, और प्रेशर कितना होता है, 1 ATM पर बात चलती है आप लोगों की। अब देखो सुनना,
आपको देखिए ये क्या अणु है N2 का, और इसका ये क्या दिया आपको, द्रव्यमान दिया है आपसे, पूछ कर आयतन, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ आना है बेटा बाईपास, समझ गए। पहले आप जा रहे थे ऐसे, अब आप जा रहे हो ऐसे, तो आपको पहले द्रव्यमान से मोल निकालना पड़ेगा, मोल से आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान किसका, N2 गैस का, तो मोलों की संख्या निकालनी है, कैसे, N2 के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर, तो मैं क्या करूँ, द्रव्यमान में भाग करूँ किसका, ग्राम मोलिकुलर मास का, तो द्रव्यमान कितना है 280 ग्राम, ठीक है, और इसका मोलिकुलर मास एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो कितना होता है 14, 14 दोनों क्या कर दो 28, तो मेरे पास कितना है 28, बोलो क्लियर आ तक की बात, सही है। तो मैंने इसका डिवाइड किया, कितना आ गया मेरे पास 10 मोल आ गया, मोल आ तक की बात क्लियर, मोल आ गया। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो मैं करता हूँ, जाऊँ 10 मोल N2 गैस का आयतन NTP पर कितना होगा, देखो आप पता है कि को भाई NTP पर निकला है वो चीज़ तो, और ये मोल से क्या निकालना है मुझे आयतन, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 22.4 से, तो आ जाओ 10 गुणा 22.4 लीटर, तो आपका आंसर कितना आ गया 224 लीटर आपके पास क्या होगी, N2 गैस होगी बेटा, बोलो क्लियर बात आई यहाँ तक की, चलो ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें यहाँ से यहाँ आना आपको, करें आ जाओ अगला टाइप का क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखो सुनो, आप यहाँ से आ रहे हो, क्या आप कह रहे हो, जैसे आप उसका 22.4 लीटर H2 गैस में कुल H परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो आप क्वेश्चन में कहा हो, ये आयतन आपको मिला हुआ है, आपसे निकलवा रहा है संख्या, और ये कणों की संख्या भी निकला एटमों की संख्या निकलवा रहा है, यानी कि आपको जो आएगा यहाँ पे वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो आ जाओ, पहले तो आप कहेंगे 22.4 लीटर H2 में मोलों की संख्या तो कितनी होगी बताओ, आप करोगे 22.4 मोलों की संख्या है, तो कितना आ गया, 1 मोल आपके पास निकल के आ गया किसका, H2 गैस का। तो आप कहोगे यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कणों की संख्या, यानी कि H2 के अणुओं की संख्या, तो अणुओं को फिर किससे गुणा करोगे, परमाणु से, तब जा करके क्या निकल गया, आपके पास में टोटल हाइड्रोजन एटमों का नंबर आपके पास में निकल करके आएगा। तो देखो आओ, 1 मोल H2 में कुल अणुओं की संख्या ये कितनी है आपके पास में, ये होगी 1 गुणा Na, यानी कि Na अणु आपके पास किसके आ गए, H2O के, ठीक है, और आप परमाणु संख्या निकालोगे तो NaH2 अणुओं में H परमाणुओं की संख्या वो कि, अब बताओ मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, कि मेरे पास टोटल, देखो सुनो, जैसे एक सिंपल सी बात कहूं, कि जैसे मैं कहूं कि ये देखो ये मेरे पास एक ऐसा अणु है जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर के बन रहा है, ये पूरा क्या कहलाएगा, 1 H2 का अणु कहलाएगा, और ऐसे मेरे पास कितने टोटल 10 है, तो मुझे बताओ कि ऐसे 10 अणुओं में टोटल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 20, समझ रहे हो, तो मेरे पास 10 नहीं है, मेरे पास कितना है N है, तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो मेरे पास क्या होगी, 2 गुणा में Na, 2 Na कहो या क्या कहो, और 2 गुणा 6.0 22 गुणा 10 की घात 23, तो आपका आंसर क्या क्या, 4 4 0 6 2 12 12.44 गुणा 10 की घात 23, ये आपका क्या हो गया आंसर निकल करके आ गया। तो बेटा ये कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू मोल कॉन्सेप्ट को समझाया, अब मैं आप लोगों को घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से करिएगा और आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेटा। आओ चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर के लिए, आ जाओ, क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में देता हूँ, ठीक है ना, तो आ जाओ, चलो आ जाओ, देखो सुनना,
पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये है कि निम्न में से किसका द्रव्यमान अधिक होगा। पहला क्वेश्चन तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन है, नंबर एक दो मोल H2, ऑप्शन नंबर दो मोल O2, ऑप्शन नंबर तीन दो मोल N2, ऑप्शन नंबर चार दो मोल F2। सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ क्लियर। चलो ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से किसमें कुल परमाणुओं की संख्या अधिक, भाई सबसे कम वाला लेते हैं, अधिक वाला तो बोल लिया कि संख्या सबसे कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक, पहला ऑप्शन आपका 0.2 मोल CO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 0.2 मोल NH3। ऑप्शन नंबर क्या आपके पास तीन, कम वाली बात करना चाह रहे हैं अपन लोग, आपका 0.2 मोल आप जैसे कह दो, क्या कहोगे H2 ये लो और एक और लो चौथा, आपसे कहा 0.2 मोल N2। ठीक है, ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर अगला आ गया बेटा N2। ठीक है, चलो और बात करते हैं, अगला टाइप का कुछ क्वेश्चन देते हैं आपके पास में कि निम्न में से, चलो ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला कि निम्न में से किसका आयतन सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब देखो बेटा आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें भी पहला ऑप्शन दो मोल H2, ऑप्शन नंबर बी दो मोल, जैसे कि H2 गैसी स्टेट में है, आयतन की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, दो मोल N2 गैस। ठीक है, अगला दो मोल जैसे कौन सी गैस ले, O2 गैस। ठीक है, और अगला दो मोल CO2 गैस। बेटा अगर मान चलो आप करके देखते हो, ठीक है, और इनमें से कोई भी नहीं आता आपके पास में आंसर में, तो आप नन ऑफ दिस भी लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर पाँच भी आप लोग कर सकते हो बेटा। ठीक है ना, चलो ठीक है, एक ऐसे भी ले ले क्या आप लोग, ग्लोब वाला क्वेश्चन जैसे आता है, अगला क्वेश्चन ये ले लूँ मैं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास क्या है, जैसे अपन लोग बात कर लेते, मेरे पास 80 ग्राम NaOH में उपस्थित कुल Na सोडियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया, एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, पांच क्वेश्चन आपके पास में, जैसे कि आप लोगों को क्या दिया जाए, जैसे कि आपसे कहा जाए क्या कहा जाए Na, भाई आपसे कहा जाए दो मोल Na2CO3 में उपस्थित सभी प्रकार के परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करो। तो ये आपके पास में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बेटा, इनको ध्यान से आप लोग करें और कमेंट में के आंसर टाइप करें। थैंक यू बेटा।